अब मुश्किलें तो हर जगह आती है, बस हमने कोशिश की है कि वो सारी मुश्किलों को पार करके हम आज 200 एपिसोड्स फाइनली कंप्लीट कर पाए हैं। और एक्चुअली पता भी नहीं चला कहाँ 200 एपिसोड्स चले गए, बिकॉज इतनी स्मूथली काम होता आया है अभी तक, और आई होप आगे भी होता रहेगा। तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको, जो आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, हमारा शो देखते हैं और सपोर्ट करते हैं इतना, तो आपकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ 200 एपिसोड्स कंप्लीट कर पाए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। मैं भी यही मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो आप हैं तो हम हैं, आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग यस यहाँ पे मेहनत करते हैं, 12 12 15 15 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं, और उस मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं शो देख के। और यही कहीं यही रीज़न है कि हमारा शो आज जो है एक और माइलस्टोन उसने अचीव किया है, 200 एपिसोड हो गए हैं आज की डेट में। बहुत अगर ऐसा होता है ना कि 200 एपिसोड पे एक अच्छा शो माना जाता है कि अच्छा 200 शो कंप्लीट किया, वरना कभी कभी कुछ शोज ऐसे होते हैं जो नहीं चल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत वो भी उतना ही करते हैं, लेकिन शायद प्यार उनको इतना नहीं मिलता या जो भी है। तो शायद हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें लकी हैं ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना प्यार मिला और हमारा शो 200 तक पहुँचा है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा चलता रहे। मैंने बहुत मिस किया, बिकॉज मुझे घर में रहना पसंद ही नहीं है, पूरा दिन काम करने की आदत जो हो गई है, और बहुत छुट्टियां ऐसे इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो वो आदत नहीं रही थी। तो मुझे बस ये चीज़ का बुरा लग रहा था कि मुझे पहले से नहीं पता थी ये छुट्टियां, बहुत ही अनफॉर्चुनेट मतलब मिली है, वरना मैं घर चली जाती अपनी मॉम से मिल लेती, बट मैं नहीं जा पाई। तो यहीं बस टाइम पास, शॉपिंग, कुछ यूजफुल नहीं कर पाई, बस टीवी देखी बहुत सारी, जो सीरीज मैं आज तक नहीं देख पाई थी, मूवीज मैंने बचा के रखी थी वो सब मैंने देख ली। मैं स्टार्टिंग के 2 दिन तो समझ में आया नहीं कि छुट्टी मिलेगी, 4 दिन की होगी या नहीं होगी। एंड यस एक ना इंसान की आदत हो जाती है, कोई भी रूटीन जब वो फॉलो करता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसकी कुछ वक्त के बाद उस चीज़ की वो आदत हो जाती है। तो यस जब पहला दिन था तुमने कहा चलो यार थोड़ा छुट्टी मिली छुट्टी कम मिलती है मिली, चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर मिला, फिर मैंने कहा काम करते हैं, चलो अम्मी लोग को मैं सबको शॉपिंग ले गया। मैंने कहा चलो अम्मी अभी रमजान भी आने वाला है, आप चलो शॉपिंग कर लो, बाद में मुझे वक्त मिला नहीं मिले। फिर पता चला कि 2 दिन शूट और नहीं है, तो फिर दीपिका बहुत वक्त से बोल रही थी कि उसे बाहर जाना है, उसे घूमना है घूमना है घूमना है, और फ्लाइट तो मैं लेता ही नहीं हूँ, तो वो वाला ऑप्शन था ही नहीं। तो जब पता चला कि 2 दिन की छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, हम अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन जो है हमारी जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है लोनावला, मैं वहाँ ले गया उसको, और अभी बस आज सीधे सेट पे आया हूँ मैं डायरेक्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, सब कुछ भुला के, सारे स्ट्रेस भुला के, सारी दुख तकलीफें हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, आती हैं और आती रहेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। कहते हैं ना कि इंसान खुशी का पीरियड बहुत कम होता है, दुख तकलीफ़ों का पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन उस ज़्यादा वाले पीरियड को कैसे आप खुशी में तब्दील करते हो वो आप में होना चाहिए। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी, आप कुछ कर सकते हो नहीं ना, तो फिर स्ट्रेस किस बात का लेना, खुश रहो एंजॉय करो लाइफ को। और हाँ यार बस जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ खुश रहो और प्यार बांटो। वो चीजें करती हूँ जो मुझे खुश रख सके, और बाकी तो सेट पे आके एक अलग ही खुशी मिलती है, चाहे कितना भी कुछ चल रहा हो लाइफ में, बट वही कि खुश रहिए और प्यार बांटिए। थैंक यू।